नमस्कार दोस्तों, एम्प्लॉय खबर चैनल के इस नए वीडियो में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं पीएफ को लेकर। पीएफ के बारे में कुछ बेसिक जानकारी आज के इस वीडियो में यहाँ पर जो है आपको देने वाले हैं। अक्सर यहाँ पर देखा गया है कि जब भी कोई नया कर्मचारी यहाँ पर नौकरी ज्वाइन करता है और जब पहले महीने यहाँ पर जो है उस पीएफ का पैसा कट के उसको जो है वेतन मिलता है, तब उसके जो है मन में यहाँ पर कई तरह के सवाल होते हैं। तो उन्हीं सवालों को ध्यान में रखते हुए ये पीएफ की कुछ बेसिक जानकारी आज के इस वीडियो में यहाँ पर शामिल की गई है। तो आप भी जो है यहाँ पर एक नए कर्मचारी है और आपके मन में भी पीएफ को लेकर यहाँ पर कुछ इस तरह के सवाल है, पीएफ से जुड़ी कुछ जानकारी आप जो है यहाँ पर बेसिक जानकारी जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को जो है आप ज़रूर यहाँ पर देख सकते हैं। आप देख रहे हैं कर्मचारियों और सरकारी योजनाओं से जुड़ी खबरों का आपका अपना चैनल एम्प्लॉय खबर। तो यहाँ पर सबसे पहले जब कर्मचारी किसी कंपनी में ज्वाइनिंग होता है और जब पहले महीने ही उसकी जो वेतन है वो मिलती है, उसमें से उसका जो है वेतन में से उसका पैसा कट के जब उसके हाथ में आता है, तो उसे जो है यहाँ पर कई तरह के सवाल उसके मन में होते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो उसे पता चलता है कि ये जो उसका पैसा कटा है ये जो है यहाँ पर पीएफ में कटा है, तो उसके मन में सवाल होता है कि ये पीएफ आखिर क्या होता है। पीएफ को यहाँ पर पीएफ, ईपीएफ, ईपीएफओ यानी कि प्रोवाइडेंट फंड, एम्प्लॉय प्रोवाइडेंट फंड या एम्प्लॉय प्रोवाइडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, इस तरह के कई नामों से यहाँ पर जाना जाता है। क्यों यहाँ पर जो है कर्मचारियों का वेतन यहाँ से पीएफ काटना ज़रूरी है? तो यहाँ पर ईपीएफओ संगठन की जब स्थापना हुई तब से यह नियम लागू है कि किसी भी कंपनी में यहाँ पर 20 या 20 से ज़्यादा लोग मिलकर एक साथ कार्य कर रहे हैं, चाहे वह कंपनी हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, संस्था हो, कोई मॉल हो या कोई दफ्तर हो, वहाँ पर यदि 20 या 20 से ज़्यादा लोग जो है एक साथ कार्य कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में उन सभी कर्मचारियों का यहाँ पर वेतन से 12% पैसा यहाँ पर काटना जरूरी है, जो कि उनके भविष्य के लिए यहाँ पर यह पैसा सिक्योर रहता है। लेकिन यह 12% ऐसा नहीं है कि आपको जितनी सैलरी मिल रही है, जितना वेतन मिल रहा है उसके ऊपर यहाँ पर जो है आपका 12% कटेगा। यहाँ पर 12% से मतलब है आपको मिलने वाली वेतन के बेसिक प्लस डीए का 12%। यदि आपको यहाँ पर 15,000 या उससे ज़्यादा की वेतन मिल रही है, तो 15,000 से ऊपर वाले वेतन को यहाँ पर इसमें नहीं गिना जाता है, 15,000 तक के 12% को ही यहाँ पर गिना जाता है। और इस हिसाब से आपका जो है 15,000 पर यहाँ पर 1,250 रुपये प्रति महीने पीएफ में कट के जमा होते हैं। यहाँ पर अच्छी चीज़ यहाँ पर इन लोगों के लिए, ऐसे कर्मचारियों के लिए ये बात है जो यहाँ पर पीएफ के खाताधारक है, पीएफओ के सब्सक्राइबर्स है और पीएफ में अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, चूँकि यहाँ पर उनके वेतन से 12% पैसा उनका यहाँ पर कटता है, लेकिन इतना ही 12% पैसा यहाँ पर उस कंपनी, उस नियोक्ता, उस संस्था या उस ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से भी उनके खाते में जमा किए जाते हैं जहाँ पर जो है वह कार्यरत है। अब यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब यहाँ पर कर्मचारी अपना जो है पहले महीने ही यहाँ पर कंपनी में एंट्री करते हैं, तो उसके तीन तरह के अकाउंट्स यहाँ पर ओपनिंग होती है, तीन तरह के अलग अलग कैटेगरी में यहाँ पर जो है उनके पैसे यहाँ पर जमा होते हैं। पहला तो होता है खुद की, उसकी जो यहाँ पर पैसे कटे हैं 12%, वो जो कि होता है यहाँ पर एम्प्लॉय शेयर। दूसरा, यहाँ पर जो उसका नियोक्ता है, जो उसकी कंपनी है, वो भी यहाँ पर उतना ही पैसा यहाँ पर उनके अकाउंट में जमा करती है, कर्मचारी के अकाउंट में ही जमा करती है, यानी कि वो भी 12% यहाँ पर जमा करता है, जो होता है नियोक्ता शेयर। पहला 12% यहाँ पर हो गया एम्प्लॉय शेयर और दूसरा 12% हो गया यहाँ पर नियोक्ता शेयर। इसके अलावा यदि आपने जो है 1 महीने या 2 महीने की सर्विस पूरी की होगी और यदि किसी की पीएफ पासबुक आपने देखी होगी, तो उसमें यहाँ पर एक तीसरा कालम आपने को और देखने को मिला होगा, जिसे कि ईपीएस यानी कि पेंशन शेयर यहाँ पर उसमें लिखा होता है। तो ये पेंशन शेयर भी यहाँ पर जो है कर्मचारियों के खाते में ही जमा रहते हैं, लेकिन जो नियोक्ता द्वारा 12% पैसा जमा किया गया है उसमें से 8.33% पैसा यहाँ पर इस पेंशन वाले कॉलम में आपको शो करता है, और जो बचा हुआ 3.67% पैसा है वो यहाँ पर नियोक्ता शेयर में यहाँ पर दर्शाता है। तो इस तरह से नियोक्ता शेयर का पैसा और पेंशन शेयर का जो पैसा यहाँ पर आपको दिखता है, ये दोनों मिला के यहाँ पर जो है आपके नियोक्ता द्वारा, आपकी कंपनी द्वारा यहाँ पर जमा किया जाता है। तो इस तरह से आपके अकाउंट में कुल मिलाकर यहाँ पर जो है 24% पैसा, यानी कि आपने जित आपकी वेतन और आपके वेतन में बेसिक प्लस डीए का 24% पैसा
यहाँ पर आपके अकाउंट में जमा होता है। अब इस पर ब्याज भी यहाँ पर जो है आपको अच्छा खासा मिलता है। ब्याज के लिए भी कुछ यहाँ पर रूल्स है, उनको भी जो है हम यहाँ पर आपको बता देते हैं। यदि आप जो है 10 साल या 10 साल से पहले अपने पीएफ का पैसा यहाँ पर निकाल रहे हैं तो आपको आपके द्वारा जमा किए गए 12% और आपके नियोक्ता द्वारा जमा किए गए 3.67% पैसे पर ही यहाँ पर ब्याज मिलता है। जो पेंशन वाला कॉलम है उस पेंशन वाले कॉलम के ऊपर आपको यहाँ पर ब्याज नहीं मिलता है। यदि आप जो है 10 साल या 10 साल की ज़्यादा की सर्विस के बाद अपने पीएफ का पैसा निकाल रहे हैं तो ऐसे में यहाँ पर आपका जो 12% पैसा है वो आपके नियोक्ता द्वारा जो जमा 3.67% पैसा है वही पैसा आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। पेंशन का पैसा आप नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि ये पेंशन का पैसा आपके पेंशन खाते में यहाँ पर जो है परमानेंटली चला जाता है और जब आपकी उम्र यहाँ पर 58 साल की होती है तब आपको पेंशन के तौर पर जो है यह पैसा मिलता है और ये पेंशन भी एक कैलकुलेशन के हिसाब से कैलकुलेट की जाती है जिसके बारे में एक वीडियो जो है ऑलरेडी हमने यहाँ पर बना रखा है जिसे देखकर आप पेंशन का कैलकुलेशन यानी कि आपको आपकी उम्र जब 58 साल की होगी तो आपकी सर्विस और आपके कंट्रीब्यूशन के हिसाब से आपको कितनी पेंशन यहाँ पर मिलेगी ये आप यहाँ पर जान सकते हैं। दोस्तों अभी एक सवाल यहाँ पर और ये आता है कि यदि आपको जो है कहीं इमरजेंसी पड़ी तो क्या आप इस पैसे का यहाँ पर उपयोग कर सकते हैं। तो जी हाँ बिल्कुल, आप जो है इमरजेंसी के समय में आपको यहाँ पर आपके घर पर किसी की शादी हो, आपको मकान बनाना हो, आपके पुराने मकान की रिपेयरिंग करनी हो या आपको जो है किसी हायर एजुकेशन के लिए पैसे चाहिए, आपके घर में कोई बीमार है, तो ऐसी स्थिति में आप इस पीएफ में जमा पैसे के लगभग 90% पैसे का अलग अलग कंडीशंस में ये रूल्स अलग अलग होते हैं जिसके बारे में एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, आप उसे जो है देख सकते हैं। तो अलग अलग कंडीशन में जिस तरह के अलग अलग रूल्स होते हैं इस हिसाब से अधिकतम 90% पैसे आपके जितने भी जमा है उसमें से 90% पैसे का उपयोग आप जो है इन कामों के लिए यहाँ पर ले सकते हैं जिसे जो है यहाँ पर हम एडवांस पीएफ के नाम से जानते हैं। तो इस एडवांस पीएफ के तौर पर आप जो है अपने खाते में जमा पैसे का 90% पैसों का उपयोग यहाँ पर इस तरह के कामों में यहाँ पर ले सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको पीएफ से जुड़ी ये कुछ बेसिक जानकारी है कि पीएफ क्या होता है, आपका पीएफ इसमें कितना कटता है, आपको ये पीएफ का पैसा कब मिलेगा और आपको जो है 10 साल के बाद निकालने पर कितना पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा और 10 साल से कम निकालने पर कितना पैसा मिलेगा और पेंशन का पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा या कब मिलेगा, ये जानकारी जो है आपको यहाँ पर मिल गई होगी, क्लियर हो गई होगी। इसके अलावा पीएफ पेंशन से जुड़े आपके कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं, उनके रिप्लाई करने की कोशिश हम जरूर जल्दी से जल्दी करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी ऐसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।